वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं स्टर्न गर्लज एक्सपेरिमेंट तो ये स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बिकॉज इसी से हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो एग्जिस्ट करती है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन का आप कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था दैट वॉज गिवन बाई स्टर्न एंड गर्लच तो स्टर्न गर्लेच में नाइनटीन ट्वेंटी वन के अंदर जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने बताया कि उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ चीज़ें डेमोस्ट्रेट करी तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने डेमोस्ट्रेट करी थी वो क्या थी कि जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो उसकी जो है उस एटम की जो है कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है विथ रिस्पेक्ट टू तो फील्ड तो यहाँ से जो है हमें ये पता चला था जो स्पेस क्वांटाइजेशन है वो भी क्या कहता था वो यही कहता था कि जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करोगे तो जो आपके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन पॉसिबल है रिस्पेक्ट टू बी और आप कह सकते हो एटम की जो है डिस्क्रीट ओरिएंटेशन पॉसिबल है रिस्पेक्ट टू बी तो इस यानी कि स्पेस क्वांटाइजेशन का भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था वो स्टर्न गर्लज ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिया था सेकेंड चीज उन्होंने जो डेमोस्ट्रेट की थी वो क्या थी कि जो है उन्होंने बताया उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन एग्जिस्ट करती है तो हमने जब वेक्टर एटम मॉडल पढ़ा था उसके अंदर जो है हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे स्पेस क्वांटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन तो ये तो थे हमने थियोटिकल पढ़े थे तो यानी कि ये जो स्टर्न गर्लज एक्सपेरिमेंट है इसने क्या किया था एक्सपेरिमेंटली जो है ये दोनों चीज़ें क्या की थी डेमोन्स्ट्रेट की थी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की थी तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टर्न गर्लज एक्सपेरिमेंट क्या है इज़ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एज वेल एज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम और आप ये भी कह सकते हो कि जो स्टर्न गर्लेज एक्सपेरिमेंट है वो क्या है वेक्टर एटम मॉडल का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है तो शुरू करते हैं कि हमारा एक्चुअल में स्टर्न गर्लेज एक्सपेरिमेंट था क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या किया था तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने जो है ओवन के अंदर जो है सिल्वर एटम्स को हीट अप किया था तो जो बीम थी न्यूट्रल बीम जो है सिल्वर एटम्स की जो फॉर्म हुई थी उसको उन्होंने जो है दो फाइ फ्यू कह सकते हो फाइंड स्लिट्स में से पास किया जिसका काम क्या था जो बीम आ रही है उसको कॉलीमेट कर देना उसको नैरो कर देना फिर इस नैरो बीम को कॉलीमेटेड बीम को जो है उन्होंने जो है फर्दर नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास किया जिसका आप कह सकते हो ग्रेडियंट था वो क्या था करली बी जेड बाय में करली जेड यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन डेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी और कैसी थी नॉन होमोजीनियस थी यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर रही थी और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी दैट इज एक्टिंग अलॉन्ग जेड डायरेक्शन डेड डायरेक्शन में इसकी जो है इंटेंसिटी कह सकते हो इसकी स्ट्रेंथ जो थी बीम मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या थी मैक्सिमम थी तो जब उन्होंने इस कॉलिमेटेड बीम को इस नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड तो उन्होंने जो है इस जो बीम थी उस पर उसको जो है इस फोटोग्राफिक प्लेट पी पे रिसीव किया तो उन्होंने देखा जो बीम आ रही थी डायरेक्ट बीम तो उन्हें कोई नजर नहीं आई डायरेक्ट बीम तो नजर नहीं आई बल्कि ये जो बीम आ रही थी ये फर्दर जो है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई थी तो बीम जो है हमारी दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व होगी जेड डायरेक्शन यानी कि जो सिल्वर आइटम की बीम आ रही थी वो दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो चुकी थी और हमें जो है दो ट्रेसेस हमें नजर आए थे जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे सो so, जो दो ट्रेसेस हमें नजर आए थे वो क्या थे डायरेक्ट बीम के बिल्कुल थे तो इससे ये पता चला कि जो हमारा एटम है सिल्वर एटम्स की जो बीम है वो क्या हो गई थी दो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स में जो है टूट गई थी तो दो डिस्क्रीट कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई थी तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि एटम जो है जब वो फील्ड में से पास हुआ तो वो जो है कुछ डिस्क्रीट डायरेक्शन में ही ओरिएंट हो सका यानी कि जो एटम जो फील्ड में से जब पास हुआ तो वो, वो कुछ डिस्क्रीट डायरेक्शन में ही क्या हो सका ऑरियंट हो सका तो ये क्या था एक तरह से डायरेक्ट प्रूफ था स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम्स का सो so यहाँ तक क्लियर हुआ आगे देखो इसी को ही मैं थोड़ी और अच्छी तरह से जस्टिफाई करके बताऊं तो इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करूं तो कैसे होगा कि जो एटम्स आ रहे थे दैट इज एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट्स तो ये किसकी तरह काम कर रहे थे टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम कर रहे थे और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में से ये पास हुए तो ये जो टाइनी मैग्नेट्स थे वो क्या कि इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस करी फोर्स एक्सपीरियंस करी और क्या हो गए ये डिफ्लेक्ट हो गए अब देखो यहाँ पे हर एटम के पास जो है उसकी कुछ भी ओरिएंटेशन अगर पॉसिबल होती मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमारे पास एटम्स तो थे उस

वो सिर्फ वो सिर्फ स्पेस में डिस्क्रीट डायरेक्शन में ही ओरिएंट हो सकते हैं कंटिन्यूस डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं हो सकते डिस्क्रीट डायरेक्शन में ही ओरिएंट हो सकते हैं तो ये क्या है आपका स्पेस क्वांटाइजेशन का डायरेक्ट प्रूफ था अब लिखते हैं हम तो यहाँ तक आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया अब आगे देखो जो ट्रांसफर्स डिफ्लेक्शन जो सफर की थी एटम्स ने आफ्टर पासिंग थ्रू इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड तो जो ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स डिफ्लेक्शन जो सफर की थी सफर आफ्टर पासिंग थ्रू नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड सो ट्रांसफर्स जो है डिफ्लेक्शन जो सफर करी है जो ट्रांसफर डिफ्लेक्शन सफर करी है तो उसकी वैल्यू अगर मैं निकालू तो वो क्या है जेड इज इक्वल टू जी जे एम जे करली बी जेड बाय मे करली जेड म्यू बी डी स्क्वायर बाय मे सिक्स के बी टी तो ये आपको लर्न रखना है ठीक है तो ये जो हमारे पास आता है दैट इज ट्रांसफर डिफ्लेक्शन सफर्ड बाई एटम विद आफ्टर पासिंग थ्रू नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड तो जी जे जो है इसको कहते हैं बच्चे जी फैक्ट जी फैक्टर ठीक है उसके बाद एमजे जो है हमारे पास दैट इज ऑल्सो ये जो एम जे है वो क्या है आपका प्रोजेक्शन ऑफ जे ऑन बी ठीक है ना प्रोजेक्शन ऑफ जे ऑन बी उसके बाद है करली बी बाय करली मैंने आपको बता दिया था ये क्या ग्रेडियंट है आपका म्यू बी इज बोहर मैग्नेटोन डी इज डी क्या है आपका लेंथ है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पार्थ ऑफ एटम ठीक है ना लेंथ ऑफ पार्थ ऑफ एटम ठीक है ना इन मैग्नेटिक फील्ड

कंपोनेंट्स में क्या हुई है स्प्लिट होती है ठीक है ना तो कंपोनेंट्स में ही डिफ्लेक्ट होगी टू जे प्लस वन में ही डिफ्लेक्ट होगी क्योंकि mj जो है वो कितनी वैल्यूज ले सकता है आपका टू जे प्लस वन वैल्यूज ले सकता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रखा है कि मान लो यहाँ पे हम सिल्वर आइटम की बात कर रहे हैं तो सिल्वर आइटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सिल्वर एटम की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो मान लो उसके केस में हमें यह पता चला कि जो जे है वो कितनी वैल्यू ये एम जे कितनी वैल्यू से ले सकता है टू जे प्लस वन और बीम हमारी कितने में स्प्लिट हुई है और बीम जो स्प्लिट होगी वो भी कितनी वैल्यूज ले सकती है टू जे प्लस वन में ही स्प्लिट हो सकती है तो यहाँ पे आप देखोगे हमें दो ट्रेसीज मिले हैं दो ट्रेसी का मतलब यहाँ पे ये यह होगा कि टू जे प्लस वन जो है उसकी वैल्यू क्या रही होगी टू रही होगी क्योंकि जो बीम है वो इतनी वैल्यूज में स्प्लिट हो सकती है तो टू जे प्लस वन की वैल्यू क्या रही होगी टू रही होगी तो यहाँ से जे अगर मैं निकाल लू तो जे की वैल्यू क्या रही होगी आपकी वन बाय में टू रही होगी क्लियर होगी कि हमारी जो बीम है वो इतनी वैल्यूज में स्प्लिट हो सकती है कितनी वैल्यूज में स्प्लिट हो सकती है टू जे प्लस वन वैल्यू कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो सकती है तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं दो कंपोनेंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं तो यहाँ के इसका मतलब जो जे होगा इन केस ऑफ सिल्वर आइटम वो क्या है हमारे पास हाफ है सो एट द टेम्परेचर ऑफ ओवन अब हम क्या करेंगे जो 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 हैं मान मान में में so, में हम मान के चलते हैं जो silver atom अपनी ground state में है, तो उस होती होती है है ना की वो क्या होती? आपके टू एस हाफ ये याद रखना आपने ठीक है तो डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी मैं एल इज इक्वल टू जीरो पे अब देखो आपको पता है ना एस पी डी एफ तो एल हमारे पास क्या होगा जीरो होगा इस केस में एस के केस में ठीक है ना और जे हमारे पास क्या है हाफ है देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ ये एल और यहाँ पे होता है टू एस प्लस वन और यहाँ पे होता है आपका जे तो ये जो जे होता है ये हमारे पास हाफ है टू एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर हमारे निकलेगा वो कितना निकल के आएगा हाफ निकल के आएगा जब टू एस प्लस वन की वैल्यू टू पुट करोगे तो एस कितना निकल के आएगा हमारे पास हाफ निकल के आएगा तो ये जो है

So, 2J 1J, हमारा कितना हाफ है तो टू जे प्लस वन तो क्या हो जाएगा आपके पास सॉरी यहां पे यह ठीक करो जी जे तो हमारे पास टू है एम जे जो वैल्यूज ले सकता है एम जे की वैल्यू क्या होती है माइनस जे से प्लस जे ठीक है ना ये कितने कंपोनेंट में रिजोल्व होगा वैल्यूज क्या निकल के आई हमारे पास जीजे इंटू एमजे निकल के आए वन प्लस माइनस वन ठीक है अब अब हमें जो है जो दो कंपोनेंट्स के बीच की सेपरेशन अगर हमें पता चल जाए ठीक है ना दो कंपोनेंट्स के बीच की सेपरेशन पता चल जाए और तो जब हम ये वाले इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे ना जी जे एमजे की वैल्यू ठीक है ना जब जीजेएमजे की वैल्यू सब ये तो है सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के बीच के सेपरेशन पता लग जाए तो जीजे एमजे की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये सारी वैल्यूज हमें पता होंगी तो हमारे पास जीजे एमजे जो है दोबारा से क्या निकल के आएगा प्लस माइनस वन और ये एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास क्या निकल के आया आपका प्लस माइनस वन तो थियोटिकल वैल्यू जो है और आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल हो जाएगी ये कह सकते हैं कि जो स्पिन है एटम की वो क्या होगी आपके पास स्पिन जो सिल्वर एटम की है वो क्या होगी आपके पास वन बाय में टू अब इस एक्सपेरिमेंट में छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दो और याद रखनी है पहली बात तो मैंने यहाँ पे जो फील्ड यूज़ करी थी दैट इज़ नॉन होमोजीनियस फील्ड तो नॉन नॉन होमोजीनियस फील्ड ही क्यों ली इन होमोजीनियस फील्ड ही क्यों ली हमने तो होमोजीनियस फील्ड क्यों नहीं ली अगर हमारी फील्ड जो होती है होमोजीनियस होती यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ सारी जगह सेम होती तो जो हमारे जो टाइनी मैग्नेट्स हैं वो सिर्फ वो सिर्फ एक टर्निंग मूवमेंट ही एक्सपीरियंस करते कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स उन उनपे नहीं लगती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम क्या होता है कि डिफ्लेक्ट कर देना बीम को तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं लगती सिर्फ वो क्या करते जो एटम्स आ रहे हैं जो टाइनी मैग्नेट्स जो हैं एटम्स हैं उन उनपे सिर्फ और सिर्फ उनके टर्निंग मोमेंट ही लगता ठीक है ना सो सिर्फ और सिर्फ वो टर्न होते पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते तो इस करके हमें जो है डिफ्लेक्टिंग कंपोनेंट्स नहीं मिलते और हमने यहाँ पे मैंने आपको बोला था न्यूट्रल एटम आयन की बीम न्यूट्रल एटम की बीम हम पास कर रहे हैं अब आयंस क्यों नहीं लिए हमने तो आयंस इसलिए नहीं लिए अगर हम आयंस लेते हैं ना तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड वो ना लॉरेंज फोर्स भी एक्सपीरियंस करते ठीक है तो लॉरेंज फोर्स उनके ऊपर लगती तो इस तरह से जो है उनकी फिर से जो है डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं थी उनकी जो डिफ्लेक्शन ट्रांसफर्स डायरेक्शन में नहीं आती तो हमें फिर से कोई ट्रेसेस नज़र नहीं आते कि जब हम सिंपल आइटम्स की बात करते हैं वो जो है ट्रांसफर्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ट्रांसफर्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उस, उसी के रिस्पेक्ट में जो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं लेकिन अगर एटम्स आयंस होते तो वो जो है लॉरेंज फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से जो है हमें कोई भी ट्रांसफ़र कंपोनेंट हमें नहीं मिलता और हमें कोई भी कम्प्लेट पर ट्रेस हमें नहीं नज़र आता नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल तो वेक्टर एटम मॉडल के साथ जो भी क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है वो हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कह सकते हैं कि ये क्या बताता है जो अटोमिक ऑर्बिटल है वो बताता है ठीक है तो अटोमिक ऑर्बिटल का आप कह सकते हैं साइज़ बताता है या फिर आप कह सकते मेन शेल्स हमें बताता है तो मेन शेल आपको पता है वो क्या होंगी के एल एम एन होंगी तो एन की इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं वन टू थ्री फोर तो वन जो है एन वन होगा तो हमारी कौन सी शेल होगी के शेल टू होगा तो एल शेल थ्री होगा तो एम ऐसी सो ऑन अब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स जो कह सकते हो जो ये कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि कितनी एर, कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगी वैसे वैसे जो है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आप ये भी कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज होगी सो बाइंडिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है आपके एन के ऊपर डिपेंड करती है नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें क्या बताता है ये हमें बताता है जो ऑर्बिटल जो हमने ऑटोमिक ऑर्बिटल है इसका क्या है शेप क्या है इसकी जैसे के की शेप क्या है ठीक है तो जो हमारे पास ऑर्बिटल नंबर क्वांटम नंबर है एल इसमें जो एल की वैल्यू हो सकती है ज़ीरो वन टू थ्री फोर तो जब एल ज़ीरो होगा जब हम फर्स्ट उसकी बात करते हैं एल ज़ीरो की तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा वो कैसा ऑर्बिटल होगा आपका एस ऑर्बिटल होगा एल वन होगा तो पी एल टू होगा तो हमारे पास डी ऑर्बिटल ठीक है ना ऐसे ही करके सो वन तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है अगर मान लो मुझे जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो कौन देगा हमें साई si स्टार देगा और वो साई स्टार इंटू स्टार यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर माइनस टू एल्व तो आप देखोगे जब एल जीरो है यानी कि एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो एल जीरो है तो साई साई स्टार यानी कि जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की वो क्या हो जाएगी वन के इक्वल हो जाएगी यानी मैक्सिमम हो जाएगी सो so, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस यानी कि एस ऑर्बिटल में ही पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की क्या है मैक्सिमम है ऐसी अगर साइज स्टार इंटू साइज स्टार आगे, आगे आप बढ़ते जाओगे एल वन टू थ्री आप सब्सिट्यूट करते जाओगे तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो इसकी वजह से जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस करेगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसका इसको हम क्वांटम मकेनिकली ट्रीट करते हैं तो क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं तो इसकी लेंथ जो निकालते हैं वो क्या होती है इसका मैग्नीच्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो रिप्रेजेंट होगा एल वैक्टर का मैगनीच्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच कट यहाँ पे एल क्या है दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एल स्टार एच कट

न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसकी वजह से जो है उसका स्पिन एंग्लोमेंटम होगा और जो स्पिन का मैग्नीच्यूड क्योंकि ये भी क्या है क्वांटम मैकेनिकली हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसका मैग्नीच्यूड किसके इक्वल होगा आपका अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन इंटू एच कट के तो यहाँ पे ये जो है इसको आप कह सकते हो एस स्टार ऐसे ही नेक्स्ट है टोटल क्वांटम नंबर तो टोटल क्वांटम नंबर दैट इज द सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांट दैट इज द सम ऑफ स्पिन एंगुलोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलोमेंटम तो जे वेक्टर जो है वो क्या है एल प्लस एस का सम है वेक्टर सम है तो जे की जो वैल्यूज होंगी टोटल क्वांटम नंबर की वो क्या होंगी एल प्लस एस से एल माइनस एस तक लाइक करेंगे तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है आप ये भी कह सकते हो जो टोटल uh, क्वांटम और ये जो है अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी एल प्लस एस से एल माइनस एस तक अब हाँ हमें पता है अगर मैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ तो एस की क्या वैल्यूज हो सकती हैं प्लस माइनस हाफ यहाँ तो अप स्पिन होगी यहाँ क्या होगी डाउन स्पिन होगी तो ये जो है वो कितनी वैल्यूज ले सकता है एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ वैल्यूज ले सकता है ऐसे ही ये जो जे है दैट इज वेक्टर इसको अगर हम उसमें ट्रीट करें इसकी लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर क्वांटम क्या होगा हमारे पास जे वैक्टर बाई अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन इंटू एच कच तो ये जो जे है दैट इज योर आपका टोटल एंगुलर क्वान टोटल क्वांटम नंबर ठीक है उसके बाद है फिफ्थ जो है हमारे पास दैट इज एम एल एम एल क्या है जो एल वेक्टर की अगर मुझे प्रोजेक्शन बी पे देखनी है एल वेक्टर की परछाई बी पे देखनी है तो दैट इज गिवन बाय एम एल और एम एल जो वैल्यूज ले सकता है वो माइनस एल से एल तक ले सकता है ऐसे ही नेक्स्ट जो है दैट इज स्पिन नंबर अगर मुझे एस यानी कि स्पिन मोमेंटम की प्रोजेक्शन देखनी है बी के ऊपर तो दैट इज गिवन बाय एम एस और एम एस की सिर्फ दो ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है वो क्या है आपकी प्लस हाफ और माइनस हाफ इसके बाद है मैग्नेटिक इनर क्वांटम नंबर एम जे जिसको हम कहते हैं तो ये जो एम जे होता है ये क्या होता है अगर मुझे जो टोटल क्वांटम नंबर है यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम है जैट इज कैपिटल जे इसकी प्रोजेक्शन बी पे देखनी है तो वो हमें कौन देगा एम जे देगा और एम जे की वैल्यू क्या होगी प्लस जे से माइनस जे तक लाई करेंगे सो so, टोटल जो एमजे की वैल्यूज पॉसिबल हैं वो है टू जे प्लस वन तो आप देखोगे जो एनर्जी लेवल है वो टू जे प्लस वन में स्प्लिट हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं अब देखो कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन दैट इज अब हमने देखा कि एटम एटम को जब के पास क्या है दोनों चीजें हैं ऑर्बिटल एंग्लोमेंटम भी है स्पिन भी है तो रिजल्टेंट एंड टोटल एंग्लोमेंटम दैट इज द सम ऑफ एल प्लस एस वैक्टर एल वैक्टर प्लस एस वैक्टर तो यहाँ पे अगर मैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करूँ तो वो क्या कहता है जो आपका ऑर्बिटल एंग्लोमेंटम है

अब मैंने जो जे है हमारा क्वान है? है अब मुझे जे का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में देखना है तो जे का कंपोनेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड में देखना है तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा आपका जे जेड होगा जैसे कि आपने मैंने ड्रॉ किया था पिछली बार भी तो थोड़ा सा इस तरह से जैसे जे का कंपोनेंट मुझे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वो जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा आपका जे जेड ठीक है ना क्योंकि जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो जे जेड और जे जेड किस तरह से डिफाइंड होगा यहाँ पे ये जो चीज होगी जे का प्रोजेक्शन बी पे हमें कौन देगा एम जे देगा तो एम जे इंटू बी एमजे तो इंटू सॉरी एच कट तो जे जेड किसके कुलजे इंटू एच कट तो यही लिखा हुआ यहाँ पे तो जे जेड किसके कुल होगा एमजे इंटू एच कट तो एमजे क्या है दैट इज मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर और एम जे जो है इसकी वैल्यू कहा से कहा तक लाइक करेंगी सो यहाँ पे अगर मैं मान के चलो टोटल एंग्लोमेंटम है अगर वो क्वांटाइज्ड है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल एच कट का और एम तो जे भी क्या होगा हाफ इंटीग्रल वैल्यूज लेगा ठीक है तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए देखो जो हमारा एल वैक्टर किया था जे वैक्टर किया था वो क्या था एल वैक्टर था इक्वेशन नंबर वन में तो अगर मुझे जेड कंपोनेंट की बात करूँ तो वो किस तरह से लिखा जाएगा जे जेड इज इक्वल टू एल जेड प्लस एस जेड तो जे जेड भी क्या एमजेट और एम एल इन एच कट और ये एम एस एच कट तो एमजे क्या हो जाएगा एम एल प्लस माइनस तो एमएस जो है उसकी वैल्यूज हो सकती हैं आपकी प्लस एल से माइनस एल और एमएस की वैल्यू तो हमें पता ही है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमेशा क्या होती है प्लस माइनस हाफ ठीक है यानी कि हाफ तो उस पे एम एस जो है उसकी वैल्यूज होंगी प्लस माइनस हाफ और एस जो है वो क्या आपका वन बाय में टू ही रहता है ठीक है वो फिक्सड है तो और एल जो है यहाँ पे क्या हो सकता है इंटीजर हो सकता है या जीरो हो सकता है सो एम जे वो एम जे की अगर आप वैल्यूज निकालोगे यहाँ तो ये जीरो होगा या फिर वन टू थ्री अप टू सो वन होगा लेकिन एमएस क्या रहेगा हमेशा हाफ ही रहेगा ठीक है ना तो एम जे क्या होगा यहाँ तो हाफ इंटीग्रल होगा या फिर क्या होगा आपके पास कोई भी वैल्यूज ले सकता है प्लस जे से माइनस जे तक सो so, ये यह यहां तक समझ में आया क्योंकि देखो एमजे अगर आप एमजे यहाँ पे जीरो पुट करोगे एमएल की वैल्यू तो क्या होगी प्लस माइनस आप यहाँ तो हाफ इंटीग्रल वैल्यूज लेगा या फिर कोई भी वैल्यूज हो सकती है आपकी जो प्लस जे से माइनस जे के बीच में लाई करेंगी अब यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला सो so, यहाँ पे हमारे पास टोटल मोमेंटम हमें निकालना है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो जे जो है हमारे पास जो एक रिलेशन हमने लास्ट में पड़ी है जे इज इक्वल टू तो एल प्लस माइनस एस यानी कि जो है हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का जो है प्लस माइन इन दोनों का सम और माइनस जो है वो क्या है हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर ठीक है तो यहाँ से अगर हमारे पास जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो स्पिन होती है स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है है दैट इज़ हाफ तो जे जो है, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो सकती है एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ ठीक है तो अब हमारे पास एल प्लस हाफ क्या है यानी कि स्पिन पैरल है एल के और एल माइनस एस का हाफ का मतलब है स्पिन एंटी के अब हमने निकाला एल जीरो के लिए टोटल एंग्लो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या निकल के आएगा जब एल जीरो है ठीक है तो एल जीरो के लिए जो है हमारे पास सिर्फ हाफ आएगा ठीक है ना जे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी हाफ उसके बाद हमारे पास क्या एल वन हमने पुट किया तो एल वन पुट करोगे जब आप तो हमारे पास जे जो होगा उसके लिए हमारे पास क्या होगा एल आप वन पुट करोगे वन प्लस वन बाय में टू जे तो आ जाएगा थ्री बाय में टू और ऐसे ही जे आप पुट करोगे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा वन बाय में टू वन माइनस वन बाय में टू यानी कि वन बाय में टू जे तो की दो वैल्यूज निकल के आई वो निकल के एक तो निकल के आई थ्री बाय में टू और एक वैल्यू क्या निकल के आई वन बाय में टू एक इसको कह सकते हो जब स्पिन पैरेलल है आ, एल के यानी कि अप के लिए और ये किसके लिए निकल के आया आपका डाउन के लिए स्पिन डाउन ये स्पिन अप और ये स्पिन डाउन के लिए ठीक है उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकालना है अब एल वैक्टर हमारे पास निकल के आ गया तो यहाँ पे हमारे पास अगर मुझे वेक्टर का निकालना है तो वो क्या होगा कट पहले ही बता हैं. L हमारे पास जे थ्री बाय टू का आ निकालोगे वैक्टर तो 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 निकालोगे मैग्च्यूट निकालोगे, निकालोगे वैक्टर का तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन इंटू एच कट अब एक बार जे हम पुट करेंगे थ्री बायू और निकल जाएगा रूट फिफ्टीन बाय में टू एच कट और एक बार हम पुट करेंगे वन बाय में टू तो निकल के आएगा आपके पास रूट थ्री बाय में टू इन टू कट जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे देखो l वैक्टर की लेंथ हमारे पास निकल के आई है ठीक है वो क्या निकल के आई है रूट टू एच कट s वैक्टर की रूट थ्री बाय में टू एच कट और j वैक्टर की क्या है रूट फिफ्टीन बाय में टू एच कट ठीक है ये क्या है स्पिन अप के लिए स्पिन डाउन के लिए क्या होगा हमारे पास

वो किसके अराउंड प्रोसेस करने लग गया आपका बी तो so, वैक्टर क्या हो गया इंट्रैक्ट करा तो वो क्या कहलाएगा आपका मैग्नेटिकली इंट्रैक्ट करता है तो क्या कहलाता है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन ठीक है तो पहले क्या कर रहे थे एल एस इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कर रहे थे जे के अराउंड पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो उसका जो रिजल्टेंट है जे वो किसके अराउंड प्रोसेस करने लग गया बी के अराउंड ठीक है एल एस तो जे के राउंड ही प्रोसेस करते रहे लेकिन जो बी जे है उसका दोनों का रिजल्टेंट वो किसके अराउंड प्रोसेस करने लग गया आपका बी के अराउंड तो इस तरह से जो वैक्टर जे है वो क्या है एक तरह से स्पेस क्वांटाइज हो गया विध रिस्पेक्ट टू बी और स्पेस क्वांटाइज का मतलब क्या है कि जो जे है वो क्या ले सकता है उसकी सिर्फ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होंगी वो कितनी होंगी आपके पास दैट इज गिवन बाय एम जे और वो डिस्क्रीट ओरिएंटेशन कितनी होंगी आपके पास टू जे प्लस वन और एमजे की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी प्लस जे से माइनस जे यानी कि जो डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होगी बी की ठीक है तो ये जो है एक्सप्लेन कर सकता है आपका नॉर्मल जीमेल इफेक्ट ये आगे हम जो आपकी यूनिट फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया देखो यहाँ पे ही देख सकते हो आप पहले क्या हो रहा था एस जो है और एल दोनों जे के अराउंड प्रोसेस कर रहे थे एस जो है दोनों जे के अराउंड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई एल और एस तो प्रोसेस करते रहे इसके अराउंड ही जे के अराउंड पर जो आपका जे है वो किसके अराउंड प्रोसेस करना शुरू कर गया मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड तो हमारा जे क्या हो गया स्पेस क्वांटाइज्ड हो गया तो यही है अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच